नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की और वो है एम्ब्रियो फ्रीजिंग। आज हम जानेंगे क्या है एम्ब्रियो फ्रीजिंग, किन केसेस में एम्ब्रियोस फ्रीज किए जाते हैं और आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या फ्रेश एम्ब्रियो के कंपैरिजन में फ्रोजन एम्ब्रियोज में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और यदि दंपत्ति को ऑप्शन दिया जाता है तो क्या उन्हें फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए ऑप्ट करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग क्या होता है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग जब से IVF की शुरुआत हुई है तब से एम्ब्रियो फ्रीजिंग का प्रचलन है। शुरुआत में जो एम्ब्रियो फ्रीजिंग की टेक्निक थी वो स्लो फ्रीजिंग थी। स्लो फ्रीजिंग या प्रोग्राम्ड फ्रीजिंग में एक विशेष तरह का डिवाइस होता था, स्लो फ्रीजर, जिसमें स्टेप वाइज एम्ब्रियो का जो तापमान है वो कम किया जाता था और -190 डिग्रीज तक इस तापमान को ले जाया जाता था। जब एम्ब्रियोज फ्रीज हो जाते हैं तो उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके और रखा जाता था। स्लो फ्रीजिंग के दिनों में जब इन एम्ब्रियोज को वापस रूम टेम्परेचर पर लाया जाता था, यानी उन्हें थॉ किया जाता था, तो जो क्रायो सर्वाइवल रेट है, यानी जो प्रतिशत है एम्ब्रियोज का जो सर्वाइव करते थे, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता था। 60-70% एम्ब्रियोज सर्वाइव करते थे और प्रेगनेंसी के चांसेस लगभग 20-30% हुआ करते थे। ये सब कुछ चेंज हो गया जब लेट 90s और 2000 के दशक में विट्रिफिकेशन नाम की टेक्निक का इजाद हुआ। विट्रिफिकेशन का अर्थ होता है फ्लैश फ्रीजिंग। फ्लैश फ्रीजिंग में बहुत ही फास्ट एम्ब्रियो को रूम टेम्परेचर से, यानी 37 डिग्री टेम्परेचर से, और उसे बहुत कम तापमान पे -196 डिग्रीज पर ले जाया जाता है। विट्रिफिकेशन या फास्ट फ्रीजिंग जो टेक्निक है, इसमें एम्ब्रियोज का जो सर्वाइवल है ये बहुत अधिक बढ़ गया है और अब लगभग 95-100% जो एम्ब्रियोज हैं वो क्रायो प्रिजर्वेशन के बाद थॉ करने पे सर्वाइव कर जाते हैं। और प्रेगनेंसी रेट्स की बात करें तो लगभग 70-80% प्रेगनेंसी रेट्स भी इन एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र करने के बाद हमें मिल जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसी स्टडीज़ की गई जिसमें ये देखा गया कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब किया जाता है तो उसमें प्रेगनेंसी का प्रतिशत फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के कंपैरिजन में ज़्यादा आ रहा था। यही हमारा भी अनुभव रहा है। हमारे क्लिनिक की यदि बात करें तो हम सेल्फ साइकिल्स की यदि बात करें तो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमारा क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट लगभग 43% है, परंतु फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जब हमने सारे एम्ब्रियो फ्रीज किए हैं, फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं किया है और फ्रोजन ट्रांसफ़र के लिए हम गए हैं, तब ये जो प्रेगनेंसी का प्रतिशत है ये लगभग 58% है। ये जो डिफरेंस है लगभग 10-15% का, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और अब हमारे क्लिनिक में लगभग 70% जो ट्रांसफ़र्स हैं वो इलेक्टिव फ्रोजन ट्रांसफ़र्स हैं, यानी कि IVF साइकिल के दौरान फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र न करके हम सारे एम्ब्रियोज फ्रीज कर लेते हैं और अगले साइकिल में जब एंडोमेट्रियम अपनी नॉर्मल स्थिति पर है, हार्मोन लेवल्स वापस आ चुके हैं, एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी अच्छी हो चुकी है, उस समय ये फ्रोजन एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो जब भी आपके क्लिनिक में आप डिस्कस करते हैं IVF का आपका प्रोसीजर चल रहा है तो डॉक्टर से हमेशा पूछिए कि क्या फ्रीजिंग की फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल है और उनके फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के प्रेगनेंसी रेट्स यदि अच्छे हैं और आपके 4 या 5 अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज हैं या इससे ज़्यादा हैं तो आप सारे एम्ब्रियोज फ्रीज करा के अगले मंथ में यदि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे तो अधिकतर स्टडीज़ यही बताती हैं कि इसमें प्रेगनेंसी के चांस हमें ज़्यादा मिल सकते हैं। क्या कुछ केसेस हैं जिसमें हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं? हाँ, यदि कपल के एम्ब्रियोज की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, ग्रेड बी या ग्रेड सी के एम्ब्रियोज हैं, या फिर एम्ब्रियोज का नंबर 3 से कम है, उस केस में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ना करके हम अभी भी फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना प्रेफर करते हैं। कुछ ऐसे दंपत्ति जिनके पहले फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मिसकैरेज हो गया है, उन केसेस में भी हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना प्रेफर करते हैं। कभी कभी लॉजिस्टिक रीजंस, जैसे यदि कपल अगले महीने IVF किसी कारण से नहीं ले पा रहा है या बाहर की कंट्री से आए हैं, दूसरे गांव में रहते हैं, उनके लिए वापस आना मुश्किल है, उस केस में फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है। तो आज हमने जाना एम्ब्रियो फ्रीजिंग और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बारे में। यदि इस विषय में आपकी कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी डाउट है, तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। आपके सवालों का जवाब देने में हमें बहुत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।